क्यों मार कर घर से बाहर निकाला था अमीषा को उनकी माँ ने। क्या आप जानते हैं अमीषा की लाइफ से जुड़ा ये अनसुना फैक्ट क्या है? गदर थ्री को लेकर लेटेस्ट न्यूज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड रात स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली अमीषा ने साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार से बॉलीवुड में कदम रखा था। अमीषा पटेल उन एक्ट्रेसेस में से एक है दोस्तों जिनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के हिट होने के बाद साल 2001 में उनकी फिल्म गदर ने सच में गदर मचा दिया था दोस्तों। फिल्मों में आने से पहले अमीषा पटेल और बिजनेसमैन नेस वारिया के बीच अफेयर की खबरें थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया। नेस वारिया अमीषा से शादी करना चाहते थे जबकि अमीषा फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती थी। इन्हीं सब को लेकर दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। बता दो दोस्तों कि नेस वारिया का अफेयर कई सालों तक प्रीति जिंटा के साथ भी रहा था। दोस्तों बता दूं कि मेकर्स ने इसी वजह से अमीषा को गदर में लिया था क्योंकि उनकी वजह से गदर फ्रेंचाइजी सुपरहिट हो रही थी। अभी वो गदर 3 की तैयारी कर रही है। नेस वारिया से अलग होने के बाद अमीषा का नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट के साथ भी जुड़ा था। हालांकि अमीषा के घर वाले विक्रम से रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। अमीषा ने मीडिया में एक बयान में कहा कि उनकी मां ने उन्हें चप्पलों से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया था। हालांकि दोस्तों अमीषा और विक्रम भट्ट के बीच रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 2008 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन सब के अलावा प्रॉपर्टी को लेकर भी अमीषा और उनके घर वालों के बीच विवाद हुआ। अमीषा ने अपने पिता के खिलाफ 12 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप भी लगाया था। उनका कहना था कि उनके पिता पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अमीषा अब अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों में देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। उन्हें कई बार पार्टियों में शराब के नशे में धुत भी देखा गया है। वे टीवी एक्टर कुशाल टंडन से भी उनका बुरी तरह से झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई थी। बता दें दोस्तों कि अमीषा का इस बार गदर 3 में नई कहानी के साथ नया रोल होने वाला है। वहीं आपको बता दूं कि विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद अमीषा पटेल का नाम लंदन के कारोबारी कानवपुरी के साथ भी जुड़ा था। उनको विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में एक साथ देखा गया था। करीब 2 साल तक दोनों रिलेशनशिप में भी रहे लेकिन उसके बाद ब्रेकअप हो गया। इसके बाद अमीषा और रणबीर कपूर के लिंकअप्स की भी खबरें वायरल हुई लेकिन दोनों ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं अमीषा का नाम पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास के साथ भी जुड़ा। एक्ट्रेस ने इन खबरों को बकवास बताया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है गदर 3 को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं निखिल।